तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। आपको बता रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से पहले मुलाकात की है। इस दौरान भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी मौजूद रहे हैं। मुलाकात रोहतक के बीजेपी मुख्यालय में हुई है। इस दौरान एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जीत की बधाई भी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर के साथ कांग्रेस सरकार के दौरान भेदभाव किया था। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र और दीपेंद्र के चेहरे ने भव्य की जीत तय की थी। की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी। इस बात की जिम्मेवारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते से मिली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रेणुका जी ने भी ली है और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजनलाल जी ने वहाँ का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक, ये तो उनके मुंगेरी लाल के सपने वाली बात है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं आदमपुर से, विधानसभा लोकसभा में ला के रेणुका भी जीती मेरे पिताजी ने। मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव अगर कोई छा तो ये वाला चुनाव। अगर आप मेरे कैंपेन ट्रेल निकाल के देखेंगे तो किसी भी दिन मैंने 7-8 बजे के बाद काम नहीं किया। इट वॉज अ वेरी ईजी इलेक्शन और ये इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार मानते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उन्होंने हर गाँव में जाके यही कहा कि भाई ये वोट आप जयप्रकाश को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे, दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे। तो ये हार जयप्रकाश की नहीं, ये हार कांग्रेस पार्टी की पतन की हार है, ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार।